नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदितु सर्वसिद्धे दुभमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्यामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वणिदम् समय सार जी ग्रंथाधिराज पेज नंबर 18 गाथा नंबर 6 णभिहोदी अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम ना दो जो सो दुसो छेव पेज नंबर 18 पर टीका का दूसरा पैराग्राफ। जैसे दाह के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह कृत अशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार गेय आकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है। गेय आकार होने से अर्थात जैसा गेय होता है वैसा ज्ञान में उस गेय के जैसा आकार झलकता है। सुनना, गेय के कारण नहीं झलकता है, जैसा गेय है वैसा नहीं झलकता है। ज्ञान की अपनी योग्यता से स्वयं ज्ञान में ज्ञान का ही वैसा परिणमन होता है, ऐसा वो ज्ञान का स्वभाव है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन ज्ञान में ज्ञेय का आकार बनता है, इसलिए उस ज्ञान को ज्ञायकता प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? ज्ञायकता। ज्ञायकता मतलब ज्ञान जानने वाला है ऐसा प्रसिद्ध है। ज्ञान कैसा है? ज्ञान जानने वाला है, ये बात प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ज्ञान का अपना स्वभाव है जानने का। दो शब्द आए, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञेय किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञेय किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं? बोलो परिभाषा गे की। जो जानने में आते हैं उन्हें गे कहते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। तो यहां अभेद करके बोलते हैं कि ज्ञान और आत्मा एक वस्तु है ना, वस्तु एक है, जीव वस्तु है। तो जो जानता है वो कौन है? तो कह रहे हैं वो ज्ञायक है। जो गाता है वो कौन है? जो खेलता है वो कौन है? जो पढ़ता है वो कौन है? पाठक। जो लिखता है वो कौन है? लेखक। ऐसे ही जो जानता है वो कौन है? ज्ञायक। समझ में आया? इसलिए उस वस्तु को ज्ञायकता प्रसिद्ध है, क्योंकि वो ज्ञेयों को जानता है। कल इसमें एक दूसरा शब्द यूज किया था अपन ने जानने के लिए, कल परसों। क्या शब्द यूज किया था?
आयुष अभी हमारी सुन लो, बढ़िया। क्या बोल रहे थे कि जानता है, नंबर एक जानता है कि ज्ञान में गे झलकते हैं, समझ में आया? झलकने पे भजन ज्यादा दिया था, है ना? तो यहां क्या कहा, अभी ज्ञाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है। आगे ये तो एक कंडीशन हो गई, आगे आनंद की बात आगे है। तथापि उसके गेय कृत अशुद्धता नहीं है, पूरी ताकत यहां पे है। अज्ञानता इसको ना जानकर है, लिख लेना, संसार इसको ना जानकर है, कर्मबंध इसको ना जानकर है, चार गति 84 लाख योनियां और अनंत काल का निगोद इस बात को ना जानकर है। पाप कितने हैं? एक ही है। कौन सा पाप है? अभी यहां से कि मेरे में ये कृत अशुद्धता नहीं है, ऐसा होने पर भी जानी जा रही है, ऐसा जानना ही संसार का बीज है। शांत भाई साहब, जो टेंशन है, जो आकुलता है, जो घबराहट है, जो परिस्थिति है, जो शरीर है, जो रोग है, वो कौन है? ज्ञेय। यहाँ कल भी लिस्ट बनवाई थी सर, ज्ञेय है वो। और मैं कौन हूँ? ज्ञायक। तो ज्ञायक में ज्ञेय है कि नहीं? नहीं है। तो उनकी अशुद्धता है कि नहीं? आयुष नहीं है, नहीं है ना? हाँ नहीं है, पक्का हो गया। एक आर्या थी, एक आयो से, दोनों ने सील लगा दी, ठीक है। अर्थात मैं अभी संयोग वाला जैन साहब, पत्नी बच्चों वाला, शरीर वाला, कर्म वाला, कषाय वाला नहीं हूं, इनसे अशुद्ध भी नहीं होता, इसलिए मुझे शुद्ध भी नहीं होना। क्या कहा? मैं अशुद्ध भी नहीं होता और मुझे शुद्ध भी नहीं होना, बहुत बढ़िया। शुद्ध भी नहीं होना, ऐसा जानकर ज्ञान कहता है। क्या कहता है? सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पाई। सारे काज, सब काज हो गए, सब। बेटा नानी के पास जाके बैठ जाओ पीछे, वो बैठी नानी, जल्दी वो बैठी पीछे, हाँ जल्दी दौड़ के अब नाना के पास ही बैठने, बोलना नहीं अब है, ऐसे मुंह पे उंगली रख दो, भगवान बन के बैठ जाए ऐसे। हाँ वेरी गुड। क्या बोल रहे थे? सुधरो सब काज अचल रिद्धि पाई। अचल रिद्धि, ओहो मैं तो ज्ञायक हूं, अखंड ज्ञायक हूं, ज्ञानमयी ज्ञायक हूं, मात्र ज्ञायक हूं, बस मैं गे नहीं हूं, मैं गे। सुनो, तुम जिसे गे कहते हो, तुम जिसे अपना कहते हो, तुम जिससे अपने को अच्छा बुरा समझते हो, वो सब मैं नहीं हूं। तीन वाक्य बोले हैं लालू भाई, बोलो। तुम जिसे गे कहते हो, तुम जिसे अपना समझते हो, तुम जिससे अपने को अच्छा और बुरा समझते हो, वो सब मैं नहीं हूं। कौन सी लाइन करते चल रहा है? गे कृत अशुद्धता मेरे में नहीं है। अशुद्धता का मतलब ये गे मैं नहीं हूं, ये गे मेरे नहीं है, मैं गे का कर्ता नहीं हूं, गे का भोक्ता नहीं हूं, और उनसे अच्छा बुरा नहीं होता। पंच परमेष्टि से अच्छा नहीं होता, जिनवाणी माता से अच्छे नहीं होता, प्रवचन सुनने से अच्छा नहीं होता,
दिव्य ध्वनि सुनने से अच्छा नहीं होता, आत्मा के चिंतन से मैं अच्छा नहीं होता। क्या कहा? अच्छा नहीं होता तो फिर आत्मा का चिंतन नहीं करे, तो पंच परमेष्ठी की पूजा नहीं करे। तुम पहले बाहर निकलो यहां से। यहां कह रहे हैं मात्र जानने से तुम्हें ज्ञायकता प्रसिद्ध है। तुम ज्ञायक हो, स्थापना क्या है तुम्हारे ज्ञान में? कल बात आई थी स्थापना की, तुम्हारे ज्ञान में स्थापना क्या है? बात तो स्थापना के अनुसार होती है ना। तुम्हारे ज्ञान में स्थापना ये है, मंदिर अंदर बैठे हैं तो वो बाहर है। तुम्हारे ज्ञान में स्थापना की हम उत्तर दिशा में बैठे हैं तो दूसरे दक्षिण दिशा में। तुम्हारे ज्ञान में स्थापना है कि हम भारतीय हैं तो वे पाकिस्तानी है कि नहीं? तुम्हारे ज्ञान में स्थापना है हम दिगंबर जैन है, वे श्वेतांबर जैन है। एक दिगंबर जैन पागल हो गया और किसी ने उससे कह दिया तुम श्वेतांबर हो, तो ज्ञान में क्या स्थापना हो गई? श्वेतांबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्थापना क्या हो गई? मैं तो श्वेतांबर हूं। ऐसे ही ज्ञान में मिथ्या स्थापना है, मैं संयोग शरीर कर्म कसाय वाला हूं, मैं इनसे अच्छा बुरा होता हूं। स्थापना उल्टी है। वो जैन साहब की लड़की हरिजन के यहां पढ़ रही है, अपने को क्या अनुभव कर रही है? हरिजन हूं। ऐसे ही ज्ञान जैन साहब का है, जैन साहब मतलब वो जीव का है, और वो ज्ञान जैन साहब का है, जीव का है, और वो ज्ञान अपने को कहां समझ रहा, क्या समझ रहा है? शरीर कर्म कसाय वाला हूं। लिख लेना एक गलती। दूसरी गलती, ज्ञान में शरीर कर्म कसाय झलक रहे हैं तो ये अलग है, मैं अलग हूं और मैं इनसे रहित शुद्ध हूं ऐसा नहीं जानता, तो झलकने वाले गियों से अपने को अशुद्ध जान रहा है। संकट एक नहीं है, संकट अज्ञान का दूसरा है। क्या दूसरा है? बोलो, आप अभी बैठे बैठे आपको दुकान घर काम भोग बंधन पत्नी बच्चे याद आ रहे हो, पुष्पडाल मुनिराज जैसे, तो सच्ची बताना आप अपने को अभव्य घोषित करोगे नहीं करोगे? छठवी गाथा, इतनी अच्छी गाथा, इतना अच्छा विषय, और हमें कितने गंदे विचार आ रहे हैं, लगता है हमारा अभी संसार है बहुत लंबा। रायल भाई साहब सच्ची कह रहे हैं, मतलब इतने दिन हो गए अपन इतने शुद्ध सुन रहे हैं, अध्यात्म सुन रहे हैं, 25 साल से सुन रहे हैं, लेकिन अपने ही परिणाम और खराब होते जा रहे हैं, तो अपन कितने गंदे हैं, कितने गंदे हैं, इतने कि इतने। आहा, ज्ञान में ये कृत अशुद्धता नहीं है। पहले तो ये लिख लो, ज्ञान में ये प्रवेश ही नहीं करते, छूते ही नहीं है। अशुद्धता की बात तो बहुत दूर है, ज्ञान में गे छूते ही नहीं है। आहा, ज्ञान में गे छूते नहीं है। प्रक्षाल करने बैठे हैं, 5,000 की बोली ली है, भीड़भाड़ है, शुद्ध धोती दुपट्टे पहन के सबसे आगे बैठ गए, कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, अचानक पीछे से कोई तेजी से आया और ऐसा लगा कपड़े छू गए। अब जब कपड़े छू गए तो भगवान को छू सकते हैं? प्रक्षाल कर सकते हैं? तो कैसे हो गए अपन? अशुद्ध हो गए। जब अशुद्ध हो गए, छू गए, ऐसी अज्ञानता हुई, छू गए ऐसा लगा, तो ऐसा लगते से ही क्या हुआ? भ्रांति और कसाय।
अरे छू लिया, देख के नहीं चलते, शुद्ध कपड़े पहन के बैठे थे, बोली ली थी, प्रक्षाल करना है, अब इतनी भीड़ है, कपड़े भी दूसरे नहीं है, अब क्या करें। अंदर ही अंदर टेंशन, झुंझलाट, विकल्प, आकुलता, कसाय, और जिसने छुए वो तो ऐसा दिख रहा है बिल्कुल सूली पे लटका दो इसे, इतनी अकल नहीं है, इतने नालायक, मतलब कैसा दिख रहा है बोलो, इसको थोड़ा सा और सरका लो टेबल को, आप इसको सरका तो आप, हाँ अब इस तरफ चेहरा करके बैठो, पैर इस तरफ करो, सरकाने का तो मतलब ही ये है। बरमाला के समय ऐसे दूल्हा दुल्हन बैठे तो वही शादी, फिर वो ज्ञान की परिणति, ज्ञान स्वभाव को ऐसे ही तो करे। 36 का आंकड़ा, 63 चाहिए। क्या बात चल रही थी? वो ऐसा लगा कपड़े छू गए, और सामने जो सज्जन खड़े थे वो बड़े गौर से देख रहे थे, 5000 की बोली ली थी इनने भी, एकदम चेहरा देखा, बिगड़ गया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो किसी को ऐसे देख रहे हैं घूर घूर के, ऐसा होता है। एक झाड़ू पोछा वाली झाड़ू पोछा करने आती थी, पुराने जमाने की बात है, 25-30 साल पुराने, और कुछ दिनों से वो एक नई मशीन आई थी, उसको घूर घूर के देख रही थी, तो मालिक ने जज किया, जी बड़ी ऐसी परेशान सी दिख रही है, घूर घूर को देख रही है, तो उन्होंने पूछा आखिर बात क्या है, मैंने कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं पहले तुम जितनी खुश होती थी, प्रसन्नता से काम करती थी, आजकल उतनी प्रसन्न नहीं हो, और हम दिख रहा है कि तुम इस मशीन को घूर रही हो, तो मशीन थी फ्रिज। पहले क्या होता था, कोई भी सब्जी है, दाल है, आटा है, कुछ बच गया तो क्या करते थे, ले जाओ, और आजकल क्या करते हैं, वो खाते रहो कई दिन तक, तो फ्रिज मतलब उसका दुश्मन, वो घूर घूर के देख रही है फ्रिज को। तो ऐसे ही ये भी उस व्यक्ति को घूर घूर के देख रहे थे, क्यों देख रहे थे, इनके ही कारण अशुद्ध हो गए, 5000 की बोली ली, अब भगवान का प्रक्षाल भी नहीं कर सकते, चरण भी नहीं छू सकते। तो उसने कहा क्या बात है भैया, बात तो बताओ। अरे बोले कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ तो है, अरे इनने छू लिया, अशुद्ध हो गए हम। तो उन्होंने कहा सुनो, वो बगल से निकले थे, तेजी से निकले थे, आपके कपड़े हिले भी थे, लेकिन उनके कपड़े आपके कपड़ों को छुए नहीं थे, हमने देखा है, और नहीं मानो तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवा लो आप। उनने कहा, फुटेज देखी, मामला साफ हो गया, और जैसे ही ज्ञान में आया कि मैं अशुद्ध नहीं हुआ, शुद्ध हूं, ऐसा होते से ही क्या हुआ, ज्ञान में आते से ही, अब आधे घंटे बाद प्रक्षाल करना है, लेकिन अब एकदम शांत हो गए, निश्चिंत हो गए, अब अशुद्धता का टेंशन, भ्रांति, आकुलता, उस व्यक्ति से द्वेष समाप्त हो गए। शुद्ध रो सब काज दौल, मन शांत भयो मिटी, ऐसे ही अनादि काल से ऐसा लग रहा है ज्ञान को कि ज्ञान में गे आ गए, मैं गे में चला गया, मैं गेयों से अशुद्ध हो गया। आज पता चला इस गाथा टीका को पढ़कर, ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं आती। क्या वाक्य बोला, ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं आती। एक साथ फिर बोलो, कब नहीं आती, दुकान पे कि घर पे, मंदिर में कि घर में, टीवी के सामने कि दूरदर्शन के मतलब देव दर्शन के सामने,
तो अब कौन अच्छा है, देव दर्शन की दूरदर्शन? अच्छा कसाय अच्छी है कि वितरकता अच्छी है? पाप का भाव अच्छा कि पुण्य का भाव अच्छा? अरे इन परिणामों कृत जो अशुद्धता है वो मेरे में, अब वो प्रैक्टिकल नहीं करो तो पढ़ के चले जाओ शब्द शब्द अकेले। ओह मैं ज्ञान दर्पण हूं, स्वच्छ ज्ञान दर्पण हूँ, पवित्र ज्ञान दर्पण हूँ, निर्मल ज्ञान दर्पण हूँ, एक रूप रहने वाला ज्ञान दर्पण हूँ। ये संयोग शरीर कर्म कसाय पुण्य पाप मिथ्याप सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र मोक्ष जो कुछ भी है वो मेरे में झलकते हैं, लेकिन मेरे में सम्यक दर्शन कृत अशुद्धता भी नहीं आती। संवर्कृत अशुद्धता भी मेरे में नहीं आती और मोक्ष वाली विस्मय तो नहीं हो रहा है? ये मोक्ष है और ये ज्ञान है, इस ज्ञान में मोक्ष झलक रहा है। क्या ज्ञान में मोक्ष आता है? जब आता ही नहीं है तो मैं मोक्ष से भी अशुद्ध नहीं होता। क्या कहा? शुद्ध नहीं होता। और तीन बार हम बोल रहे हैं अशुद्ध नहीं होता। बताओ डालडा घी में एक बूंद शुद्ध देसी घी मिला दिया तो डालडा शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। क्या कहा? प्रवचन सुन नहीं रहे अबे आप, अबे आप मोड़ा मोड़ियों में लगे हो, वो कल से घर छोड़ के आना इन्हें, इनकी बुआ के पास। अब जो नहीं आया उनके पास छोड़ के आओ। बोलो डॉक्टर साहब, वो डालडा शुद्ध हो गया कि अशुद्ध हो गया? अशुद्ध हो गया। सुनो ऐसे ही जीव में यदि मोक्ष मिल जाए तो जीव अशुद्ध हो जाए, लेकिन जीव में सम्यक दर्शन नहीं मिलता इसलिए जीव सदा शुद्ध है। सम्यक दर्शन ज्ञान में झलकता तो है जब वो होता है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान में मेरे में प्रवेश नहीं करता, इसलिए सम्यक दर्शन उत्पन्न होने से मैं शुद्ध होता न अशुद्ध होता। इसलिए सम्यक दर्शन से न राग है न द्वेष है, ये वितरकता। कहाँ गए मास्टर साहब? चले गए उनसे कल, यही कह रहे थे मत जाओ। अब ये बातें यहीं मिलेंगी, वहां नहीं मिलेंगी, वहां तो यही मिलेगी। आश्रम से अशुद्ध होते हैं, संवर से नितिन भाई गलत तो नहीं बोल रहे, वहां तो यही मिलेंगी। अरे एक तत्व दूसरे में मिले तो अशुद्धता शुद्धता का कोई भेद बने? एक तत्व दूसरे में मिलते ही नहीं है। आहा, लिख लो बस, मैं ज्ञायक तत्व हूं, मैं ज्ञान तत्व हूं, मुझे ज्ञायकता तो प्रसिद्ध है लेकिन मेरे में किसी भी ज्ञेय का प्रवेश ना होने से मेरे में किसी की भी अशुद्धता नहीं होती। किस में नहीं होती? मेरे में नहीं होती। इसलिए चाहे जंगल में हो, चाहे दुकान पे हो, चाहे घर में हो, चाहे योग का काल, चाहे भोग का काल, अब हमारा ज्ञान सदा वैरागी है। भरत जी घर में ही वैरागी। समझ में आया? न घर में न अस्पताल में बच्चे का जन्म हो, सिर्फ नहीं भूल गए, न मायके में न ससुराल में बच्चे का जन्म हो, सिर्फ कहाँ होता है बच्चे का जन्म? अरे ट्रेन में माँ होती है तो ट्रेन में हो जाता है, फ्लाइट में होती है तो फ्लाइट में हो जाता है। ऐसे ही परिस्थितियों में चाहे घर हो चाहे जंगल हो, जहाँ पर ज्ञान में ज्ञायकता प्रसिद्ध होती है वहाँ पर रत्नत्रय के बच्चे जन्म जाते हैं। घर और जंगल से मतलब नहीं है। सुनो कौन से कपड़े पहने उससे मतलब नहीं है। शेर के मुंह में तो मांस लगा था, कुल्ला भी नहीं किया था, पता है नहीं पता कुछ, तो इसका मतलब आलू खाते खाते कर सकते हैं। अभी ये गाथा और विषय नहीं चल रहा।
यहां तो ये बात चल रही है तुम ऑलवेज ज्ञान हो, सिर्फ ज्ञान हो। वो ज्ञान में गे झलकते हैं, झलकते हुए भी ज्ञान उन गेयों से अशुद्ध नहीं होता। और गे का मतलब है ज्ञान को छोड़कर सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया। जादू, जादू आता है? आता है जादू? नहीं आता, नहीं आता। फिर नाम कौन ने रखा तुम्हारा जादू? पूछो पापा से अपने कौन ने रखा, पूछो पूछो। कितनी तेज बोल रहा है मुझे क्या पता। गजब, कई बच्चे आजकल तो कह रहे हैं मुझे क्या पता। तो आज से तुम्हारा नाम काजू है, ठीक है? भेद विज्ञान का जादू है ये, भेद विज्ञान का। कैसा गजब है स्वरूप, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं है। मैं ज्ञान वस्तु हूं, ये दूसरी वस्तु है। क्या कहा सिद्धांत वाक्य क्या था? एक वस्तु में दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं है। मैं ज्ञान वस्तु हूं और ये दूसरी वस्तु है। इन मुझ ज्ञान वस्तु में दूसरी वस्तु का जब प्रवेश ही नहीं है तो अशुद्धता कैसे हो जाएगी? होती नहीं है। तीसरी गाथा, सब द्रव्य अपने अपने को चुम्बन करते हैं, दूसरे को कोई चुम्बन नहीं करता, इसलिए अशुद्धता है ही नहीं, है ही नहीं। लिख लो, द्रव्य पर्याय को भी नहीं छूता, इसलिए द्रव्य में पर्याय की अशुद्धता भी नहीं है। एक साथ बोलो, अशुद्धता नहीं है। ज्ञान मिथ्यात्व को नहीं छूता, इसलिए ज्ञान में मिथ्यात्व की अशुद्धता नहीं है। ज्ञान राग को नहीं छूता, पाप भाव को नहीं छूता, पुण्य भाव को नहीं छूता। ये राग के ही भेद हैं। तीव्र कषाय को कहते हैं पाप और मंद कषाय को कहते हैं पुण्य। 105 डिग्री बुखार को कहते हैं बुखार और 101 रह गया तो कहते हैं अब ठीक है, लेकिन है वे दोनों बुखार ही। बात समझ में आ रही है? पेट पूजा के भाव को कहते हैं पाप और भगवान की पूजा के भाव को कहते हैं पुण्य। जादू क्या बोला पाप पुण्य की परिभाषा? अब उसे तो दिख रहा है प्रवचन चल रहे हैं, पाठशाला होती तो वो ध्यान से सुनता। स्थापना है ना, स्थापना, पाठशाला की दीदियां खड़ी होती तो वो सुनता ध्यान से। पाप किसे कहते हैं? पेट पूजा के भाव को। और पुण्य किसे कहते हैं? भगवान की पूजा के भाव को, पेट पूजा और देव पूजा। लेकिन हैं दोनों कौन? कसाय है, एक तीव्र कसाय एक मंद कसाय, और वो दोनों गेय हैं, भिन्न गेय हैं। वो ज्ञान में झलकते तो हैं लेकिन ज्ञान में आते नहीं हैं। आते नहीं है तो ज्ञान उनसे अच्छा बुरा होता नहीं है। तो मैं पापी नहीं होता, पुण्यात्मा नहीं होता, पाप से बुरा नहीं होता, पुण्य से अच्छा नहीं होता, इसलिए पाप से द्वेष नहीं, पुण्य से राग। सरल है एकदम बात, समझे तो सरल है। ऐसे कैसे नहीं होता, ऐसे कैसे नहीं होता, पूरी जिनवाणी कह रही है, पूरे वक्ता कह रहे हैं, हम तो रोज सुन रहे हैं, जो प्रवचन सुनते हैं उसमें यही बात निकलती है। आप सुन के देख लो कोई भी व्हाट्सएप पे प्रवचन, क्या बात निकलेगी घूम फिर के? विकल्पों से खराब होते हैं, विकल्प मिटेंगे तो अच्छे होंगे। बोलो है कि नहीं? मिथ्यात्व से बड़ा शत्रु बोलो आप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और मिथ्यात्व बैरी का अंश भी
बुरा है। लिख लो मिथ्यात्वी पर गे है, वो ज्ञान में झलकता है लेकिन मिथ्यात्व वाली अशुद्धता मेरे में नहीं है। ये यहां पे आपको रखना पड़ेंगे गे के स्थान पर सब चीजें। लोग कहते हैं ना प्रैक्टिकल करो, कुछ प्रयोग हो, ये प्रयोग है। ध्यान सेवन में नहीं सिखाया जाता ये प्रयोग, ये ज्ञान सेवन में सिखाया जाता है। क्या कहा? ध्यान सेवन में तो ऐसा होता है कि अब फोन बंद कर दो, पेपर बंद कर दो, कमरा बंद कर दो, एसी चला लो और सब ढीले कपड़े पहन लो और अंधेरा और सब बैठ जाओ। तो अब इसको इसको तो वो अभ्यास था ना बाहर का, तो जब वो कनेक्शन कट हो गए तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा, अरे बहुत, इतनी शांति लगती थी, इतनी शांति ध्यान शिविर में। अब तू गर्मी में खड़ा है और तू तरण ताल में उतरेगा तो शीतलता तो लगेगी, लेकिन ऐसा कर तू दो दिन बैठ कर देख वहां पे, वो ध्यान केंद्र में तू दो दिन दो घंटे बैठ के देख क्या होगा, उबलेगा अंदर से। लिख लो बिना ज्ञान स्वरूप के निर्णय के द्रवलिंगी मुनिराज भी उबलते हैं। क्या कहा, क्या वाक्य बोला? बिना ज्ञान स्वभाव के निर्णय के द्रवलिंगी मुनिराज भी उबल रहे हैं। कैसे उबल रहे हैं? मैं मुनि हूं, मुझे मोक्ष जाना है, मैं मोक्ष की साधना कर रहा हूं। अज्ञान में उबल रहे हैं, मिथ्यात्म में उबल रहे हैं, अनंतानुबंधी कसाय में उबल रहे हैं। क्या कहा? जादू तुमसे नहीं बोल रहे बेटा, पता है इसे, सब पता है, बच्चों को सब पता है। वो हमारा एक बच्चा है छोटा, अपन ने कोई भी चीज बोली तो फट से बोलेगा पता है, हमें तकिया कलाम हो गया, पता है। समझ में आया? उबल रहा है, उबल रहा है। लिख लो तूफान के पहले की शांति है। द्रवलिंग अवस्था मतलब तूफान के पहले की शांति। बिना ज्ञान स्वरूप के निर्णय मुमुक्षु मतलब तूफान के पहले की शांति। कैसे? कि यहां पे है मंद कसा है, स्वाध्याय चल रही है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं है। क्या हुआ? मंद कसाय के फल में स्वर्ग आदि जाएगा और जैसे ही वहां पर जाएगा और वहां पर सारी पंचेंद्रिय के भोगों की अनुकूलता और एकदम झपट्टे मारेगा, ये वाला मोबाइल, फिर ये चैनल, फिर ये चैनल, फिर ये चैनल। तूफान के पहले की शांति। और फिर जब वो माला मुरझाएगी इसे कम देखने लगेगा जो कुछ भी है, और फिर अरे मर गए, ये सब छूटे, तो अब भी ज्ञान लगाएगा, अरे तिरंज में नहीं जाना, कुत्ता बिल्ली नहीं बनना, अरे मनुष्य भी नहीं बनना। लिख लो नार की बनते नहीं है देव, कभी मर के देव, मर के देव बनते नहीं है। डॉक्टर साहब देवों को दो गति के दरवाजे बंद हैं, मनुष्य त्रियंच बनते हैं, और त्रियंच में भी ये कह रहा है मुझे कुत्ता नहीं बनना, बिल्ली नहीं बनना, सुअर नहीं बनना, माँ के पेट में उल्टा नहीं लटकना गंदगी में, तो क्या बन जाता है? कोयला बन जाओ, हीरा बन जाओ, सोना बन जाओ, और कान में लटकते रहो, नाक में लटकते रहो। हालांकि ये तो डेड बॉडी है, बन जाओ कोयला, बन जाओ पृथ्वी का एक, बन जाते हैं ऐसे। कौन बन जाते हैं? वही मुमुक्षु, वही द्रवलिंगी। किसको समझे बिना?
मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं और मेरे में कोई अशुद्धता नहीं है। पढ़ लो छठवीं गाथा, बहुत बार पढ़ी है तुम लोगों ने, पढ़ लो भैया जल्दी चलो। अब गैरेज में गाड़ी खड़ी है और कहां आगे बढ़ा है, बोलो मर्म है कि नहीं। तीन दिन से ये लाइन चल रही है, कल अलग था, आज है? आज अलग। ज्ञान में आगे बोलो किस में नहीं है, मैं कौन हूं तो मेरे में ज्ञेय है, उनकी अशुद्धता है। अजय भैया ज्ञेय की लिस्ट बताओ बिल्कुल आराम से, जो दिख रहा है वो ज्ञेय है, और अच्छे से बताओ, समझ में नहीं आई हमें। अरे दूसरे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अजीव आश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्ष, और सरल करो, पत्नी जादू मतलब कपड़े मोबाइल शरीर कर्म और अंदर की कसाय पाप पुण्य के भाव, सब कौन है? ये मैं हूं। जादू तुम कौन हो, लड़का की लड़की? लड़का। पाठशाला मत आना तुम आज से, या पाठशाला पढ़ाने वालों को मत बुलाना, हमें बुला लेना। अब इतने दिन में ये नहीं सीख पाया कि हम लड़का नहीं है, जीव है। लड़का होगी जीव हो, देखो जादू हो गया, लड़का से जीव बन गए, जादू नहीं हो गया। तुम कौन थे घर से जब आए थे, बोलो? ऐसा सोच रहा है, लड़का की जीव है, जब घर से आए थे तब ये लड़का था और अब क्या हो गया, जीव हो गया, जादू नहीं हो गया। भेद विज्ञान का जादू है। अनादि काल से ज्ञान समझ रहा था मैं शरीर कर्म कसाय वाला शुद्ध हूं पापी हूं, और आज ज्ञान में क्या हो गया, मैं ये नहीं हूं और मेरे में इनकृत अशुद्धता नहीं है। जब अशुद्ध नहीं हूं तो शुद्धता लाना है, शुद्ध होना है। लिख लो सारे कार्यक्रम समाप्त। क्या कहा, धर्म के नाम पर, क्या धर्म के नाम पर लिखना, धर्म के नाम पर जो शुद्ध होने के, लिख लेना जैसा बोल रहे हैं, धर्म के नाम पर जो शुद्ध होने के, सम्यक दर्शन करने के, निर्विकल्प होने के, मुनि बनने के, सिद्ध बनने के कार्यक्रम थे, आज से सभी काम समाप्त हो गए। समझ में नहीं आए, नहीं आ रहा समझ, अधिकांश चेहरे बोल रहे हैं समझ में नहीं आई बात। लालू भाई समझ में नहीं आई ना, जब हम मिथ्यात्व से अशुद्ध नहीं हुए तो सम्यक दर्शन से शुद्ध होंगे कि नहीं होंगे, जब हम विकल्प से अशुद्ध नहीं है तो निर्विकल्पता से शुद्ध होंगे, बस खत्म सारे प्रोग्राम। विकल्प मिटाना है, निर्विकल्प होना है, अशुद्ध हूं शुद्ध होना है, संसारी हूं सिद्ध बनना है, श्रावक हूं साधु बनना है, सारे कार्यक्रम समाप्त हो गए। नहीं हुए तो रात में आना, मतलब प्रवचन में दोबारा आओ, फिर रात में भी नहीं हुए तो फिर सुबह आओ। बोलो डॉक्टर के पास कब तक जाते हो, बता दो हमें आप, बताओ कब तक जाते हो, दवाई कब तक खाते हो। तो ऐसे ये जादू भेद विज्ञान की गोली कब तक खाना है, लिख लो, जब तक ये लाइन समझ में नहीं आ जाए। बोलो टू की टेबल कब तक पढ़ना है, जादू टू की, देख लो बच्चा बोल रहा है, जब तक याद ना हो जाए तब तक। ऐसे ही जब तक ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का निर्णय ना हो जाए, लिख लो चारों अनुयोग में से कोई दूसरा अनुयोग मत पढ़ना, और समय सार में भी इस लाइन के अलावा कोई दूसरी लाइन मत पढ़ना। क्या कहा, तो भैया क्या करें फिर, क्या करें, लिख लो सब जगह यही बात लिखी है, यही बात पढ़ना,
चारों अनुयोग में कौन की बात लिखी है? ज्ञान स्वभाव लिखा है। दूसरी तरह से बोलो, चारों अनुयोग में क्या लिखा है? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यही तो लिखी है। और तुम क्या कर रहे हो? 24 घंटे लिख लो, एक गेस है द्वेष, एक गेस है राग। क्यों हो रहा है ये? कर रहे हो भाषा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञान में ज्ञान स्वरूप का निर्णय नहीं। समस्या कितनी है? समाधान कितने हैं? समस्याएं कहाँ हैं और समाधान कहाँ है? आपने एक वाक्य सुना है, समस्याएं बाहर है, समाधान अंदर है। लेकिन लिख लो, समस्या भी ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने की ज्ञान में ही है, और समाधान भी ज्ञान में ही है। सारे घर के बदल डालो, ऐसा आता है कोई सा कुछ? वैसे तो भैया आप तो सब बदल दो, लिख लो, सारे व्यवहार के वचनों को व्यवहार समझकर परमार्थ में आना है, इसका नाम है सारे बदल डालो। क्योंकि व्यवहार से निकालना क्या है? व्यवहार किसके लिए है? और सच्चा व्यवहार कौन सा है? प्रेरे जे परमार्थ नी, वो व्यवहार व्यवहार है, वो जिनवाणी में सम्मत है। और जो व्यवहार व्यवहार में रोके, लिख लो, वो व्यवहार आभास है, वो व्यवहार नहीं है। समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही जादू? नींद तो नहीं आ रही? फिर तुम कौन हो, लड़का की लड़की? जीव हो तो दूध पीने वाले हो कि चाय पीने वाले? सुबह दूध पिया तुमने, चाय पिया? आज सच्ची सच्ची बताना, दूध पिया? तो दूध पीने वाले हो कि मात्र जानने वाले हो? तो दूध पीते कि नहीं पीते? अपन जानकर पीते हैं, उसमें मक्खी तो नहीं है, बाल तो नहीं है, ऐसे जानकर पीते हैं। चरणानुयोग वाला बच्चा है, अभी द्रव्यानुयोग वाला नहीं हुआ। तुम लोग कैसे पीते हो दूध? सुभाष चाचा जी, अरे मैं दूध पीने वाला नहीं और दूध पीने के विकल्प करने वाला भी नहीं और दूध पीने के विकल्प से बुरा होने वाला भी नहीं। तीन वाक्य बोले हैं, बोल सकते हो? बोलो पहला, क्या बताएं, बहुत मेहनत है जादू। बच्चे समझदार हैं, बड़े गड़बड़ हैं। बच्चे पूरे रिपीट कर देंगे वैसा का वैसा, इसलिए ये बच्चों से भी बच्चों की क्लास है। नहीं आई समझ में? प्ले ग्रुप से भी नीचे की। हाल के जन्मे बच्चे आ गए यहाँ पढ़ने, अब कितनी मेहनत है बोलो। इनकी मम्मी पापा ने हमारे पास भेज दिया, पढ़ा इन्हें, अक्का पढ़ा दिन भर। तीन वाक्य थे, बोलो एक साथ। विकल्प से बुरा नहीं होता, इसलिए तीनों की आज से छुट्टी। और ये दृष्टांत एक है, ऐसे आप करोड़ों प्रैक्टिकल कर लेना, हजारों लाखों करोड़ों गाथाएं बना लेना। दूध पीने का है, कपड़ा पहनने का बना लो, रोटी खाने का बना लो, टीवी देखने का बना लो, पूजा करने के भाव का बना, सब चीजों का बनाओ आप। होमवर्क है? अरे एक निर्णय से सारी बातें समाप्त हो जाती है। ज्ञान में गे कृत अशुद्धता, दूध पीना क्या है? गे। दूध पीने का विकल्प क्या है? गे। और मुझ में दोनों चीजें नहीं, इसलिए मैं अशुद्ध नहीं हूं।
सरल है कठिन है? सरल है। आहा, ये कृत अशुद्धता नहीं है, इतना पक्का हुआ? इतना पक्का हुआ? दुनिया में कितनी चीज है? दो, ज्ञान और घी। मैं कौन हूं? बस अपने को अभी ज्ञान के स्थान पर रखो, और जो कुछ झलक रहा है वो सब कौन है? घी। सुनो, जो कुछ झलक रहा है तो ज्ञान में जो झलकन है वो घी है कि ज्ञान है? क्या कहा? दर्पण में जो मोर दिख रही है वो मोर है कि दर्पण है? जादू। दर्पण में अपन ने अपना चेहरा देखा तो अपना चेहरा है कि मम्मी का चेहरा है? कौन का चेहरा है? शरीर का। देखो अब उसे पाठशाला काम कर रही है, इतने में तो इंटेलिजेंट हो जाते हैं। शरीर का चेहरा है तो दर्पण में शरीर है कि दर्पण की स्वच्छता है? बोलो 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 जल्दी, टाइम नहीं है। दर्पण में दर्पण की स्वच्छता है कि शरीर है? सुनो, ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान है कि ज्ञेय है? वे पूनम की चांदनी रात में कड़ैया में ऊपर छत पे चांद तारे हैं कि तेल ही तेल है? और झरिया डालोगे तो क्या मिलेगा? ऐसे ही जिस ज्ञान ने ऐसा ज्ञान में जाना कि ज्ञान में तो ज्ञान ही है, तो क्या मिला? ज्ञान ही मिला, ज्ञेय नहीं मिले। ओहो, मेरे में बस ज्ञान है, शरीर कर्म का सहाय नहीं है। कब नहीं है? कभी नहीं है। तो दुनिया में कितनी चीज है? कढ़ैया में कितनी चीज है? दर्पण में कितनी चीज है? एक दर्पण की स्वच्छता। ऐसे ही ज्ञान में कितने दिख रहे हैं अब? डॉक्टर साहब, ये जादू है, दो दिख रहे थे अब दो के एक हो गए, एक दृष्टांत दे रहे हैं, याद आ गया। ऐसे ही ज्ञान में घे बनते हैं उसकी योग्यता से। खनी नहाने में अपना स्कूल चलता है और बोर्डिंग भी है, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे रहते हैं वहाँ पे। तो एक पास के गांव का बच्चा आया छठवीं में, एडमिशन हुआ उसका, और शिविर था, भाई साहब के प्रवचन चल रहे ऐसे ही, और उन्होंने बता रहे जीव अलग है, पुद्गल अलग है, ऐसा ऐसा, और तुम जादू नहीं हो, तुम लड़के नहीं हो, शरीर अलग है, पुद्गल तुम जीव अलग हो, ऐसे ही सब बता रहे। दो तीन दिन उसने प्रवचन सुने, बढ़िया बच्चा। फिर उससे पूछा, प्रश्न पूछा ऐसे ही, तो उसने बताया खड़े होके, भूमिका नहीं बना रहा लंबी चौड़ी, अच्छा बताओ तुम कौन हो, तुम यहाँ कितने हो? तो बोले पंडित जी, गांव से तो आए थे हम एक, और इतने होके हो गए दो। नहीं आई समझ में? गांव से कितने आए थे? एक आए थे। अच्छा, तो गांव से आए थे एक, और इतने आके कितने हो गए? दो, एक जीव और एक शरीर। जादू, तुम कितने हो? एक की दो, दो है देख लो। घर से कितने आए थे? एक आए थे। देखो, समझ में आ रहा है? अरे थे दो, समझ रहा था एक, आज निर्णय हुआ जीव जुदा पुद्गल जुदा, बराबर अलग अलग, ज्ञान में निर्णय हुआ। यहां पर ऐसे ही मैं ज्ञान तत्व हूं, ज्ञान में ज्ञान ही है, और ये समझ रहा था ज्ञान में ज्ञेय आ गए तो दो दिख रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? ओहो, मैं तो एक शुद्ध ज्ञान दर्पण हूं। और ज्ञान में कितनी चीजें हैं? दर्पण में कितनी चीज है? मैं ज्ञान दर्पण हूं, और ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं है। पक्का? तो दुनिया में कितनी चीज है? लिख लो, मेरे ज्ञान लोक में बस ज्ञान ही ज्ञान है। मेरे ज्ञान लोक में कौन है? और ज्ञान में कौन दिख रहा है अब? लिख लो, बस ज्ञान में ज्ञान ही दिख रहा है, ज्ञेय नहीं दिख रहे। ये अभेदता हो गई।
ट्रिक है ये, ट्रिक अभेदता हो गई। ज्ञान में कौन दिख रहा है? वो कड़ैया में कौन दिख रहा है? अरे तेल ही तेल है इसमें, चांद तारे नहीं है, निर्विकल्प हो गया। ऐसे ही जिस ज्ञान में आया, ज्ञान में ज्ञान ही है, बस ज्ञान ही भरा है, मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूं, सिर्फ ज्ञान स्वरूप। अब उसमें लिख लो निर्णय पूर्वक ज्ञेयों का समाप्त हो गया काम, समाप्त हो गया। कितनी चीज है दुनिया में? एक ही है। कौन है? बस ज्ञान, ज्ञानाष्टक, ज्ञान ही है। शेष चर्चा निज निधि निज में बताई।